एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित शर्वस्य पूज्यं शर्वं ददाति तारावलंचं तोदियं रविन्दं एतानि शर्वं शर्वं पतोहं धर्मं एजयते जयते एजयते पूज्यं ददाति जयते एजयते दिव्यं स्वरूपं जयते इजयते सर्वं समाहं जयते इजयते सरोषतिस्सह कंठे वसिस्स भूजे काली गृहे लक्ष्मीस्स मुखं गणेशं हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम जय देवी चरणारविंदम। मेरे बंधुओं, धर्म और राजनीति दोनों सुनने में अलग अलग शब्द मालूम होते हैं, लेकिन दोनों का काम साथ साथ चलता है। धर्म व्यक्ति का निर्माण करता है और राजनीति राष्ट्र का निर्माण करता है। धर्म से व्यक्ति बनता है और राजनीति से राष्ट्र बनता है। धर्म व्यक्ति को सुधारता है, राजनीति राष्ट्र को सुधारता है। धर्म व्यक्ति को चलाता है, राजनीति राष्ट्र को चलाता है। धर्म कहता है कि व्यक्ति सुधरे, व्यक्ति से परिवार सुधरेगा, परिवार से समाज सुधरेगा और समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, और राजनीति राष्ट्र को लेकर चलता है। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने काम ईमानदारी से करें तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीवन में हर कार्य को ईमानदारी से करो मेरे बंधुओं, और मैं हमेशा कहता हूं चैरिटी बिगेन एट होम। हर अच्छी चीजें अपने से शुरू करनी चाहिए। जो भी अच्छी चीजें हैं, मैं दूसरे से जो आशा रखता हूं वो शुरुआत मैं खुद से करूं, स्वयं से करूं। हां, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी जहां आप हारेंगे, जहां थकेंगे, जहां आप परेशान होंगे, सोचेंगे अब क्या होगा, लेकिन मेरे बंधुओं फिर एक नया रास्ता निकलेगा। और हर सूर्योदय के बाद देखना, हर सूर्यास्त होता है और हर सूर्यास्त के बाद फिर से सुबह में एक सुंदर सूर्योदय होता है। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है कि आज दुख आया है, किसी तरह की कष्ट आया है, किसी तरह की परेशानी आया है, लेकिन फिर से ठीक होगा, फिर से सही होगा अगर हम सही हैं तो। और एक चीज और भी जाने, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में कोई भी चीज, कितनी भी परेशानी आए, तुम थकना नहीं, समझना कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है। हमने सुना है कि एक बार किसी ने बांस को काटा, बांस को काटा तो उस बांस रोने लगा, आवाज करने लगा, और आवाज करते करते वो भगवान से कहा कि भगवान मैं आपका प्यारा नहीं हूं। एक तो मैं अगर आपका प्यारा होता तो आप मुझे मनुष्य जोनी देते। कहा जाता है कि परमात्मा का सबसे प्यारा जो जोनी है, सबसे जो बड़ी खोज है, जो सबसे बड़ी जोनी है, वो मनुष्य की जोनी को माना जाता है, जो परमात्मा को पाने के लिए नित्य दिन प्रयास करता रहता है। तो उसने कहा भगवान एक तुम आपने मुझे झाड़ियां बांस बना दिया, आपने मुझे लकड़ी बना दिया, ऊपर से मैं भरपूर जी भी नहीं पाया, पूरा जीवन जी भी नहीं पाया, और आप मुझे कटवाने लगे। परमात्मा कुछ न बोला। थोड़े देर के बाद जो आदमी उस बांस को काटा था उसको दो दो फीट का टुकड़ा बनाने लगा। तब उस बांस ने और जोर से रोया और रोकर कहा भगवान अब मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, एक तो मुझे बांस बना दिया, मुझे अछूत समझा, मुझे
तुमने घास फूस बना दिया, लकड़ी बना दिया, ऊपर से जवानी में कटवा दिया, और अब जो अब तो टुकड़े टुकड़े करवा रहे हो। शही प्रभु, मैं आपका प्यारा नहीं हूं, आपके पास न्याय नहीं है। उसके बाद उस आदमी ने उसको सुखाया, पानी में रखा, कहा भगवान उस बांस ने पहले कटवाया, फिर टुकड़े टुकड़े करवाया और अब पानी में रखे, भगवान ये न्याय की बात नहीं है। हमारे साथ भी जब दुख होता है तो हम कभी कभी मन में सोचते हैं कि हमने क्या गलती किया है कि भगवान मुझे कष्ट दे रहा है। मैं तो अच्छा करते जा रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, और बुरा करने वाला सुख भोग रहा है। मेरे बंधुओं, ये होता है, हर युग में होता रहा है। सुख रावण भोगा है, राम जीवन भर संघर्ष किए हैं। सुख कंस भोगा है, कृष्ण जीवन भर संघर्ष किए हैं। मेरे बंधुओं, सुख दुर्योधन भोगा है, अर्जुन और युधिष्ठिर तो अज्ञातवास में और कहां कहां फिरते रहे। ये जीवन है, चलो आगे बढ़े। वो बांस कहा कि प्रभु, अब तो मुझे पानी में सड़वा रहे हो, थोड़ी और समय गई, और उसने निकाला और उसमें छिद्र किया, आग तपे हुए आग में रट डाला लोहे की, और उसको डाल डालकर उसमें छिद्र किया। उसने कहा, भगवान पहले कटवाया, टुकड़े किया, पानी में सड़वाया, सुखाया, और अब तो आग भी मेरे सीने में भोंक रहे हो, मुझ में छिद्र कर रहे हो। मैं तेरा प्यारा नहीं हूं प्रभु, तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, तुम सताते जा रहे हो, ये तो अन्याय है प्रभु, ये न्याय नहीं है। ऐसी ऐसी न्याय पद्धति पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। परमात्मा तुम हो ही नहीं, और हो तो तुम न्यायी नहीं हो। उसने कहा, मेरे बंधुओं, जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं और मिल जाता है तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, और नहीं मिलता है तो या तो दुख होता है या भगवान पर से विश्वास कम होने लगता है। ये जीवन में है। तुम मंदिर जाओगे, परमात्मा से कुछ मांगोगे, प्रार्थना करोगे, मिला तो खुश होगे, नहीं होगा तो तरह तरह के प्रश्न आएगा। तुम गुरुद्वारा जाओगे, वहाँ कुछ अपने लिए प्रार्थना करोगे, मिला तो खुश हो जाओगे, नहीं मिला तो तरह तरह की प्रश्न उठाने लगोगे। मेरे बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कि जो मिला है परमात्मा से वो कम नहीं है, जो मिला है वो कम नहीं है। हाँ चलो, तो उस बांस ने फिर से भगवान से अपनी प्रार्थना की, शिकायत किया। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने काटा और उसमें दूसरी लकड़ी डाला, तो उसने कहा, भगवान पहले तो बांस बनाया, दूसरा जवानी में कटवाया, तीसरा टुकड़ा कराया, चौथा सुखवाया, पांचवा पानी में डलवाया, छठा आग से फिर उसमें होल कराया, सातवां काट कर मेरे सीने में दूसरी लकड़ी ठोक दी तुमने, तुम तो मुझे एकदम प्रेम नहीं करते हो, मेरे दुश्मन हो, तुम हो ही नहीं, तुम्हारा मैं प्यारा नहीं हूं, एकदम तुम मेरे साथ अन्याय किए हो। तरह तरह की बात बांसो बात बोलने लगा, और ये सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब वो बांस बांसुरी बना तो उस बांसुरी को कृष्ण ने उठाकर होठों से लगा लिया। जब वो बांस बांसुरी बन गई तो उसको कृष्ण उठाते हैं, परमात्मा उठाते हैं और अपने होठों से लगा लेते हैं। मेरे बंधुओं, जब होठों से लगाकर कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू करते हैं तो बांसुरी कहता है, क्षमा करना प्रभु, मैं कितनी गलती पर था, तुम मेरी क्षण क्षण इसलिए मुझे कष्ट दे रहे थे, मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे तकलीफ दे रहे थे, मेरे कर्मों को काट रहे थे, इसलिए कि मुझे तुमको अपने होठों से लगाना था। तो परमात्मा को जब तुम्हें सीने से लगाना हो, जब होठों से लगाना हो, तो तरह तरह के कष्ट देता है, तरह तरह की परेशानियां देता है। उसमें टूटना नहीं, घबराना नहीं। कोई भी आदमी हो, मैं हमेशा कहता हूं, जो टूट गया वो रोड का कंकर, जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर। जो टूट गया वो कंकर, जो नहीं टूटा वो शंकर। इसलिए कि मंदिर के शंकर, मंदिर में अगर कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए तो लोग मंदिर में नहीं लगाते हैं, उसे बाहर विसर्जित कर देते हैं, लेकिन कंकड़ किसी भी साइज का हो रोड में लगा देते हैं, रख देते हैं। तो जीवन में कभी टूटना नहीं, कभी हार नहीं मानना, कभी नहीं। और देख लेना, तुम शिक्षा लेना अपने शरीर से ही। शरीर का हर अंग एक एक कहानी कहता है, एक एक शिक्षा देता है। जैसे आज हार्ट है, ये जो हृदय है, ये कहता है, हे मनुष्य, तुम तो मेरे मालिक हो, तुम तो मेरे मास्टर हो, तुम तो इतने बड़े हो,
और मैं तो तेरा छोटा एक अंग हूं, तीन नसों का बना हुआ और छोटे छोटे और भी बहुत सारा नस है। मैं इतना कमजोर हूं कि डरते हो तब भी धड़कने लगता हूँ जोर जोर से, प्रेम करते हो तब भी धड़कने लगता हूँ, हंसते हो तब भी धड़कने लगता हूँ, और उतने ही नहीं तुम तो रेस्ट भी करते हो, दिन रात तेरे लिए होता है, तुम खाते भी सोते भी हो, मेरा तो सोना भी नहीं होता, तुम्हारे लिए दिन रात है, मैं तो 24 घंटा तेरे लिए धड़कता हूँ, शाम में तुम सो जाते हो, मैं धड़कते रहता हूँ। एक बात बताओ, अगर हर्ट भी तेरे साथ सो गया तो सरदार जी क्या होगा? फिर राम नाम सत्य है और माटी में गत है, फिर तो गए काम से, स्थिति गई अपने तो गए, लेकिन हर्ट सोता नहीं है। कहा कि देख तुम सोते हो, मैं तो जगे रहता हूं, 24 घंटा तेरे लिए धड़कता हूं, और तेरे लिए दिन रात, तेरे लिए छुट्टी और तेरे लिए काम होता है, मेरे लिए तो हमेशा काम है, और मैं तेरे लिए मनुष्य धड़कता हूं। उतना ही नहीं मनुष्य, मैं तेरे जन्म के पहले मां के गर्भ से धड़कना शुरू किया और मृत्यु की अंतिम सैया तक मैं धड़कता रहूंगा। मैं तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं, ए मनुष्य मैं तो कमजोर हूं, अगर मुझे तो 7 सेकंड भी अगर खून नहीं मिले तो मैं तो फटने लगता हूं, 1 मिनट में तो मैं फट जाता हूं, नीला पड़ जाता हूं, इतना कमजोर हूं। इतने कमजोर होते हुए, तेरा इतना छोटा अंग होते हुए भी मैं कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं। तो हे मेरे मानव, हे मेरे मास्टर मानव, हे मेरे मालिक मनुष्य, तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे मालिक हो, तो तुम क्यों परिस्थितियों से कह रहे हो कि अब मैं थक चुका हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जी पाऊंगा? ए मेरे मालिक मानव, जब मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं थक चुका हूं तो तुम भी नहीं कह सकते हो कि तुम थक गए हो, इसलिए कि मनुष्य बना ही नहीं थकने के लिए, अगर तुम थक जाओगे तो मेरा क्या होगा? अगर तुम थक जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये हृदय कहता है मनुष्य से, तुम तो मेरे मालिक हो, मैं तो तेरा नौकर हूं, छोटा अंग हूं, तेरे सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ए मनुष्य, मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड, नॉट अलाउड एंड परमिटेड। तुम अलाउड भी नहीं किए जाओगे कहने के लिए, और परमिशन भी नहीं है तुम्हें ये बात बोलने के लिए, लेकिन तुम ही थक जाओगे हे मालिक तो मेरा क्या होगा? आप सब लोग आगे आ जाओ। जानते हो, जब आमने सामने बैठते हो, जब तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा, तो होता क्या है, भगवान दो तरह से हमारे अंदर उतरता है। जब हम उसकी दर्शन करते हैं तो आंखों के द्वारा प्रभु हमारे अंदर उतरता है, और जब उनकी प्रवचन, उनकी वचन सुनते हैं, उनके बातों को, मंत्रों को सुनते हैं, तो भगवान कानों के द्वारा हमारे अंदर उतरता है, और जब ये दोनों हो जाता है तो दिमाग के द्वारा भी उतरना शुरू हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, जब देखोगे तो आंखों के द्वारा अंदर उतरेगा, और जब सुनोगे तो कानों के द्वारा। इसलिए कोई भी चीज आमने सामने बैठने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तुरंत याद होता है। इसलिए जब कोई बात हो तो लोग कहते हैं, अरे भाई अगर कुछ बोलना ही है तो आमने सामने बैठकर बात कर लो, क्यों पीछे में बात करते हो, क्यों दाएं बाएं करते हो? मेरे बंधुओं, हाँ, तो हृदय कह रहा है कि मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड, हम बने ही, तुम बने ही नहीं थकने के लिए। फिर हमारा लीवर कहता है, जो लीवर है वो मनुष्य कहता है, हे मनुष्य मैं तेरा लीवर हूं, तुम खाते हो मैं पचाता हूं, खाते तुम हो, पचाता मैं हूं, और पचाता ही नहीं हूं, पचाने के अलावा उसके जो विषाक्त हैं, जो खराब चीज है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, और जो खाए हो उसकी अच्छी चीज है उसका खून बनाकर मैं तेरे नस नस को दे देता हूं, नस नस में दौड़ा देता हूं। मानव तुम तो खाकर सो जाते हो, मैं तो सोता भी नहीं हूं, उसको पचाते रहता हूं, तुम सोए रहते हो, मैं अपना काम करते रहता हूं, और लीवर अगर अपना काम करना छोड़ दे तो तुम सोओगे तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी हो जाएगी, तो लीवर 24 घंटा अपना काम करते रहता है, तुम सो जाते हो, तुम बैठ जाते हो, लेकिन लीवर बैठता नहीं है, वो काम करते रहता है। और लीवर कहता है कि मैं सिर्फ पचाता ही नहीं हूं, तेरे अंदर जो तुम करते हो उसके कचरे को बाहर निकाल देता हूं, और अच्छी चीजों को खून बनाकर जो तेरे जीवन के लिए है वो तेरे नस नस में संचार कर देता हूं, दे देता हूं। तो जब मैं तेरा इतना छोटा अंग, इतना नरम अंग लीवर, हे मानव,
तुम इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूं, और जब मैं ये काम कर रहा हूं तो तुम क्यों कह रहे हो कि भाई अब मैं समाज से परेशान हो गया हूं, परिवार से परेशान हो गया हूं, मैं समन्वय नहीं बैठा पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, अब मैं त्याग दे रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, मेरे अब मैं इस लायक नहीं हूं, दुनिया मेरे लायक नहीं है। हे मानव, जब मैं तेरे लिए कचरों को निकाल कर बाहर फेंक रहा हूं और अच्छाइयों को नस नस में खून दे दे रहा हूं, मैं नहीं लेता, तो तुम भी समाज के बुराइयों को निकाल कर बाहर करो, परिवार समाज और अब तो अपने शरीर के, और अच्छाइयों को समाज और देश और संसार में फैलाओ, ये तेरा काम है। और तुम कह रहे हो मैं थक गया हूं, तो माना नहीं जाएगा। हे मेरे मालिक मानव, जब तुम ही थक जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैन इज नेवर डिजाइन टू बी टायर्ड, तुम बने ही नहीं थकने के लिए, तुम अलाउ नहीं किए जाओगे। जब मैं नहीं थका, जब मैं अपना काम कर रहा हूं, तो तुम तो मेरे मालिक हो, तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम थक गए हो? हे मानव, फिर से सोच कर बोलो। तो मेरे बंधुओं, आदमी बना ही नहीं थकने के लिए, कभी मत थकना। और जो थक गया वो मर गया, जो थक गया वो मर गया। लोग कहते हैं ना कि बूढ़े हो चले हो, ऐ आदमी बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है। जब तक तुम्हें कुछ कर गुजरने की जज्बा हो, जब तक जीवन में खुशियां और उत्सव में जीने की जज्बा हो, जब तक जीवन में धर्म अध्यात्म और संसार को कुछ देने की चाहत हो, तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है। जिस दिन ये सबसे अलग हट जाता है, पीछे हट जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसी दिन आदमी बूढ़ा होता है। मेरे बंधुओं, 80 साल के भी आदमी जवान होता है, 80 साल के भी। जानते हो, आज मेरी उम्र लगभग 73 साल है। मैं इस 73 साल में भी विश्व के हर देश में घूम घूम करके जगाने का प्रयास करता हूं धर्म के प्रति। 43 साल 44 साल हो गए धर्म चेतना मंच का, और तभी से मैं प्रतिज्ञा किया कि जहां भी मैं जाऊंगा मैं खड़ा होकर बोलूंगा, खड़ा होकर कहूंगा कोई भी चीज। कारण कि इतना अच्छा धर्म भारत का, भारतीय दर्शन इतना अच्छा, लेकिन विश्व में नहीं फैला। कारण कि हमारा मटेरियल अच्छा था लेकिन पैकिंग बेकार था। मटेरियल तो हमारा बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी चीज है, यहां हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। आदमी को गले लगाना तो अलग बात, सांप को भी दूध पिलाते हैं, इतना प्यारा धर्म। मच्छर को भी नहीं मारते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अतिथि देवो भव, ये कहां लिखा जाता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये कहीं और कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। मेरे बंधुओं, हम कहीं कहीं पीछे रह गए। हुआ क्या कि हम दूसरे के कल्चर के कचरे को अपनाना शुरू कर दिए, दूसरे के कल्चर के कचरे को हम अपनाना शुरू कर दिए। मैं कहता हूं नहीं, दूसरे के कल्चर की अच्छाइयों को अपनाओ और कचरों को छोड़ो। हाँ, तो मैं प्रतिज्ञा किया कि हमारी धर्म सोने लगी है, जागृति कम हो गई है, धर्म में अब तरह तरह की बातें आने लगी है, लोग बांधने लगे हैं। और धर्म बांधता नहीं है। कोई भी अगर कहता है कि धर्म, तुम इस धर्म को मानते हो, इस पंथ को मानते हो और इसमें क्यों जाते हो, तो समझना वो बेईमानी कर रहा है। जानते हो, एक बार द्रौपदी पूछती है कृष्ण से कि पितामह से, भीष्म पितामह से, कि पितामह आपने तो प्रतिज्ञा खाई थी कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, मैं हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा की पर आंच नहीं आने दूंगा, और आपके सामने आपके पौ पुत्र वधु का चीर हरण हो रहा था और आप चुपचाप आंख बंद करके बैठे थे और भाग गए, आप बिल्ली बन गए, आप नहीं देखते क्या, दुनिया नहीं देखती? तो पितामह कहते हैं, क्षमा करना बेटी, धर्म ने मुझे बांध दिया था। उसी समय कृष्ण कह उठते हैं, पितामह धर्म बांधता कहां है, धर्म तो हर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। धर्म बांधता कहां है, जो बांध दे वो धर्म नहीं और जो मुक्त कर दे वही धर्म है। तो अगर कोई चीज बांध रहा है, कोई गुरु तुमको बांध रहा है, तो समझना वो स्वार्थ कर रहा है, वो धर्म नहीं दे रहा है। धर्म तो मुक्त करता है हर जगह जाने की, धर्म तो हमेशा स्वतंत्रता देता है, परम स्वतंत्रता का नाम धर्म है, स्वतंत्रता की प्रकाष्ठा का नाम धर्म है। मेरे बंधुओं, तभी से मैं प्रतिज्ञा लिया 44 साल पहले कि अब मैं विश्व में घूम घूम करके धर्म का बोध कराऊंगा, सत्य धर्म को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा।
अनुभव करवाऊंगा। इसलिए कि अनुमान लगाकर जीने की चीज धर्म नहीं, अनुभव करने की है। मैं अनुभव कराऊंगा। और खड़ा होकर 172 देशों का लगभग भ्रमण किया मैं, और जहां भी गया मैं खड़ा होकर ही कुछ कहा। जानते हो किस आशा में? इस आशा में कि अगर मैं खड़ा होकर तुम्हें बोलूंगा तो तुम बैठकर सुनोगे। हो सकता है मैं बैठकर बोलूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो, जो तुम कर रहे हो। मैं इस आशा में खड़ा होकर इस उम्र में भी घंटों सुनाता हूं कि तुम कम से कम बैठकर तो सुन लोगे, थोड़ी सी तो जागृत हो जाओगे। और एक व्यक्ति भी जागृत हो गया मेरे बातों से तो साधु का काम भीड़ जुटाना नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति भी एक शब्द का भी बोध कर लिया है तो साधु अपना काम शुरू कर दिया है। महावीर के लाखों लोग पहले नहीं हुए, महावीर के गौतम एक जगह। बुद्ध के लाखों लोग पहले नहीं हुए, बुद्ध के आनंद एक जगह। राम के सारे लोग नहीं हुए, पहले हनुमान जगे, कृष्ण के अर्जुन जगे। एक एक आदमी ही जगा है, मीरा जगी, एक एक आदमी ही जगा है। तो मेरा भी एक तो कोई जगे, और एक जगेगा तो दूसरा जग जाएगा, दूसरा जगेगा तो तीसरे को जगा देंगे, और तीसरा जगेगा तो चौथे को भी हिम्मत हो जाएगी जगने की, और जब चौथा जगेगा तो कहीं लगे उसको देख करके बगिया फूलों से भर जाए, जागृति आ जाए। मैं एक बार में सारे लोगों को जगाने का आशा नहीं रखता हूं। मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन झूठ आशावादी भी नहीं हूं। मैं एक साथ में सारे लोग जग जाए मैं आशा नहीं रखता हूं, लेकिन यह आशा रखता हूं कि एक तो जगे, कोई एक में तो जागृति आए, कोई एक तो उठे। और एक आत्मा ऊपर उठेगी तो दूसरी उठ जाएगी, दूसरी उठेगी तो तीसरी को उठा लेगी, तीसरी उठेगी चौथी को उठा लेगी। हर युग में ऐसा ही हुआ है। जब जब सारी आत्माएं गिरने लगी तो कभी राम आए और उन गिरी हुई आत्माओं को उठाए, कभी कृष्ण आए और उन गिरी हुई आत्माओं को उठाए, कभी महावीर आए और उन गिरी हुई आत्माओं को उठाए, कभी बुद्ध आए और उन गिरी हुई आत्माओं को उठाए, कभी गुरु नानक आए और उन गिरी हुई आत्माओं को ऊपर उठाए, कभी गुरु गोविंद सिंह आए उन गिरी हुई आत्माओं को ऊपर उठाए, तो कभी रामकृष्ण परमहंस आए, तो कभी विवेकानंद आए, तो कभी शंकराचार्य आए, तो कभी कोई आया, कभी कोई आया। जो भी आया, जो गिरी हुई आत्माएं थी उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। क्या जीसस आए, क्या मोहम्मद आए, जो भी आया उन गिरी हुई आत्माओं को उठाने का प्रयास किया, उठाए, जितना उठा सके उठाए, फिर चले गए। अब उनके नाम और उनके शक्तियों से बहुत आत्माएं ऊपर उठती है। तो मेरे बंधुओं, मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ आत्माएं तो ऊपर उठे। जानते हो, आप लोग याद होगा, जब बुजुर्ग जो इसमें लोग होंगे, आप याद करो, पहले भूत प्रेत लोग कितना देखते थे, क्या मंत्री जी? पहले लोग बहुत देखते थे ना, कि बहुत भूत है यहां, किसी को भूत लग गया, प्रेत लग गया। अब आज भूत प्रेत कहीं देखते हैं आप? नहीं। लेकिन देवता कितने हो गए अब? 33 करोड़ देवी देवता हो गए। कितने हो गए देवी देवता? 33 करोड़। मेरे बंधुओं, भारत की जनसंख्या 100 करोड़, उसमें 33 करोड़ देवी देवता, मतलब कितने परसेंट? 33% के आसपास, 1/3 देवी देवता हो गए। ये झूठ बात नहीं है, एकदम सही है। इसमें हंसने की बात नहीं है, एकदम गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द को सुनना, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों सही है। हुआ क्या कि पहले जो देवता होते थे वो देवत देव की आत्माएं, देवत आत्माएं इस धरती पर आती थी, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी आनंद के रूप में, कभी गौतम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में, तक कभी गुरु गोविंद सिंह के रूप में, कभी किसी गुरुओं, कभी कबीर के रूप में। मतलब वो देव आत्मा इस धरती पर आती थी, कभी स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, कभी शंकराचार्य जी के रूप में आती थी, और आकर के जो दैत, जो गिरी हुई आत्माएं हैं उसको ऊपर उठाती थी। इधर 500 वर्षों में, 300 वर्षों में क्या हुआ है मेरे बंधुओं, कि जो देवत्य आत्मा है वो हमारे धरती पर नहीं आई, वो मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ली। कारण क्या हुआ कि पहले जब कोई पति पत्नी मिलने जाता था तो प्रेम भाव से परमात्मा का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर मिलता था। इसलिए राजा महाराजा जब अपने दरबार में रानी के यहां जाते थे तो ब्राह्मणों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से
वो दिन निकाला करते थे कि इस दिन मैं जाऊं, किस समय जाऊं, किस काल में जाऊं, किस क्षण में जाऊं। हमारे यहां ज्योतिषियन साहब बैठे हैं, बात सही है ना, कि लोग दिन निकालते थे कि इस समय जाना है, मतलब वो शुभ लग्न में, अच्छे कार्य में, अच्छे भाव में परमात्मा का नाम लेकर जाते थे, तो देवत्व परमात्मीय आत्मा शक्ति पैदा होती थी, देवता लोग पैदा होते थे। अब हम क्या किए कि जब भी तुम अपने पत्नी से या पत्नी पति से मिलते जाते हो तो तुम वासना के भाव में मिलते हो, सिर्फ वासना के भाव में। तो वासना के भाव में क्या होता है, जब तुम पूरी वासना से मिलोगे तो वासना में जब गर्भ रहेगा तो ये जो हमारे कुंडलिनी के 7 चक्र हैं, तो उसमें जब पूरी वासनात्मक होगे तो पहले चक्र से प्राण अंदर आ जाता है। तो जो भी पहले चक्र से प्राण अंदर आता है वो आदमी कभी महान नहीं हो सकता, जिसकी आत्मा पहले चक्र से अंदर प्रवेश की है वो हमेशा दैतों की आत्मा होगी, लड़ाकू होगा, पतित होगा, गंदा काम करेगा, उल्टे पुल्टे काम करेगा, राक्षसी काम करेगा, मतलब जो समाज को दुखी कर देगा, इस तरह की आत्मा पैदा होगी। जब दूसरे चक्रों से अगर प्राण अंदर आ गया उस समय, तब क्या होगा कि वो महाचोर होगा, बेईमान होगा, झूठा होगा, झूठ बोलेगा, समाज को लूटेगा और परेशानियां खड़ा करेगा, हत्यारा होगा। तीसरे से आ गई तो वो आदमी महाकामुक होगा, शराब सबाब कबाब सब चीज में लुप्त रहेगा, मिटाएगा। अगर चौथे से आत्मा अंदर आई तो परिवार का नाश करेगा, माता पिता को कष्ट देगा। और पांचवे से आई तो सामान्य पुरुष होगा, छठे से आई तो थोड़ा अच्छा होगा, सातवें से आई तो महान पुरुष होगा, और जब अधम चक्र से ब्रह्म से आई तो वो महानतम संत और कोई ना कोई बहुत महानतम व्यक्ति होगा। मेरे बंधुओं, ये हमारे जीवन की प्रतिदिन जो हमारे घटित हो रही है इस पर निर्भर है। तो हम, तुम तो वासना से मिलने जाते हो, तो वासना से जब मिलने जाते हो तो जितने भी भूत प्रेत और राक्षस जो पहले थे वो सब भूत प्रेत मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए। पहले बहुत भूत प्रेत देखा करते थे, आज कहां देखते हैं, कोई देखता है? इसलिए आजकल के बच्चे कहते हैं भूत प्रेत नहीं होता है, झूठ बात है, कारण कि दिखते नहीं है। 730 लोगों को मैं अपने गोद में रखकर मरते हुए देखा कि उनकी आत्मा का रंग क्या है, चोरों की आत्मा का रंग क्या होता है, साधुओं की क्या होता है, महापुरुषों का क्या होता है, इसलिए कि मैं जान सकूं। मुझे कहीं शक नहीं था अपने शास्त्रों पर, और मैं जानता हूं कि सत्य पर कभी शक मत करो और सपने पर कभी विश्वास मत करो। लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर, मन मतलब मन, अर्धि मतलब बुद्धि, र मतलब रवि, जो सूर्य जो विकारों को मिटाता है। तो जो मन और बुद्धि के विकारों को मिटाकर राख करके और फिर उसमें परमात्मीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जन जन का कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस हेतु तिरुपति स्थित श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की देव भूमि पर दक्षिण भारत के प्रथम एवं अद्वितीय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महायोगी श्री गुरुदेव अपनी समस्त साधना की शक्तियों के साथ 17-18 जनवरी 2017 को करने जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि तुम मुझ तक आए हो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को दूं जिससे तुम परमात्मीय शक्ति को संभाल सको। ऐसे स्वर्णिम पल के साक्षी बनने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है, अतः अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ आप सह परिवार इस स्वर्णिम अवसर को अनुभव करने हेतु श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की तीर्थ स्थली पर सादर आमंत्रित है। एसपाम फाउंडेशन, एसपाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित